बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मेक इट इजी। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चीज़ी गार्लिक ब्रेड। बहुत मज़ेदार रेसिपी और बहुत आसान है, तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमें मैदा चाहिए होगा, नीम गर्म दूध चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगी, नमक, एक अंडा, ईस्ट और बटर चाहिए होगा। आपको सारे इंग्रेडिएंट्स नीचे बॉक्स में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों के साथ एक डो तैयार करेंगे। मैदे में सबसे पहले अंडा डाल लेंगे। अगर आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप अंडे की जगह थोड़ा सा और मिल्क यूज़ कर लें और उसके साथ अच्छे से डो तैयार कर लें। तो अंडा हमने डाल दिया है, अब हम डालेंगे चीनी, ईस्ट, नमक, नीम गरम दूध। इसे अब हम अच्छे से गूंद लेंगे। अब हम इसमें बटर भी डाल देंगे और इसे दोबारा से गूंदेंगे। आटा हमने गूंद लिया है, अब हम एक ट्रे लेंगे और उसमें बेकिंग पेपर लगाएंगे इस तरह से, और हमारी डो को हम इसके अंदर रख देंगे। ओवन को मैंने 75 डिग्री पे गरम कर लिया है और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए राइस होने के लिए ओवन में रख देते हैं। जब तक हमारी डो रेडी होती है तब तक हम गार्लिक की पेस्ट बना लेंगे जो हम उसके ऊपर लेप करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे गार्लिक ले लिया है, आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अब हम क्रश कर लेंगे। ये देखें, गार्लिक को मैंने इस तरह से छोटा छोटा कर लिया है। अब इसमें मेयोनेज डाल देंगे, चीनी, पार्सले, आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम डो ओवन से निकालते हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह दबा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको दबा लिया, और जो हमने गार्लिक की पेस्ट तैयार की है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। सारी अच्छे से ऊपर लेप कर देंगे। सारी पेस्ट हमने इसके ऊपर लगा ली है, अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। और दूसरी तरफ से भी मेरे पास यहाँ पे मोत्सरेला चीज़ है, ये अब हम ऊपर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए चीज़ भी हमने लगा ली है। अब हम इसे ओवन में 150 डिग्री पे ये बेक होने के लिए रख देंगे। ये देखें 20 मिनट के बाद हमारा चीज़ गार्लिक ब्रेड रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का बना है, बहुत आसान रेसिपी है। अभी बहुत गर्म है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।